हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आखिर वह आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। ओके, आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें, ओके व्यूअर्स, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा, ओके। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, ओके व्यूअर्स। ये रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है। अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, कोई रीडिंग लेकर आऊं, सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके, ओके व्यूअर्स। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूं, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर वह आपसे चाहते क्या है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। ओके, आखिर वह आपसे चाहते क्या है, आइए चलिए देखते हैं। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके, आखिर वह आपसे चाहते क्या है। ओके चलिए व्यूअर्स, सबसे पहले कार्ड आ चुका है, ये है कार्ड रिजेक्शन का। ओके ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड, आइए चलिए देखते हैं, इज ओके ओके कार्ड इज नेक्स्ट, लेट मी सी, हियर वी हैव द कार्ड ऑफ विजडम। आई नीड वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक, आई नीड जस्ट वन मोर कार्ड, लेट्स सी, इम्पार्शियलिटी। चलिए मैं इनको अरेंज करके फिर स्टार्ट करती हूँ। ओके व्यूअर्स, तो मैंने यहाँ पर कार्ड्स अरेंज कर लिए हैं, तो वह आपसे क्या चाहते हैं। देखिए, पहली चीज मुझे यहाँ पर ये लग रहा है व्यूअर्स कि वो आपका अटेंशन बहुत चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपका ध्यान दूसरी चीजों पर भी है, या आप शायद अपने ऊपर फोकस करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, इतना ज्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि आपका ध्यान शायद उनके ऊपर नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपका ध्यान उन पर है लेकिन आप ऐसा दिखाना नहीं चाह रहे, आप ऐसा शो नहीं करना चाह रहे, उस वजह से भी उन्हें ऐसा लग सकता है कि आप अपना सारा अटेंशन उनको नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आपका सारा ध्यान सिर्फ उनके ऊपर हो। हो सकता है व्यूअर्स कि आप बहुत बिजी हैं, ये भी हो सकता है कि आपके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं, या फिर अगर आप ना कहीं इस कनेक्शन को लेकर अगर श्योर नहीं है या ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, या आपके अगर कोई न्यू फ्रेंड्स भी बन रहे हैं, तो आप वहां ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करने की या अपने आप को इन्वॉल्व रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर इनको लग रहा है कि आप ना दूसरी तरफ या दूसरी चीजों में या दूसरे लोगों में ध्यान दे रहे हैं, इन पर ध्यान नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा जेलस फील कर रहे हैं, और अंदर ही अंदर से इनको ऐसा लग रहा है कि आप दूसरे लोगों में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, या आपको कोई और पसंद हो सकता है, तो आप इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप ना अपना ही अलग इंजॉय कर रहे हैं, अपने आप में ही मग्न हैं, अपनी लाइफ में खोए हुए हैं, और इन पर आपका बिल्कुल फोकस नहीं है, बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, और उस चीज के लिए ये बोल नहीं सकते डायरेक्टली कि मुझे आपका सारा टाइम चाहिए, मुझे सारा आपका अटेंशन चाहिए, इसीलिए जेलस भी फील करते हैं, दे फील जेलस, और ऐसा लगता है कि जैसे आप दूर हो जाओगे, ऐसा लगता है कि जैसे दूसरों के साथ रहकर ये दूसरों को ज्यादा टाइम दोगे या दूसरों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे, तो फिर आप इनको भूल जाओगे। इनको ये डर लगता है कि आप इनको भूल जाओगे,
और ये नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ, ये नहीं चाहते कि आप इनसे मूव ऑन करो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं ये रिजेक्शन से भी डरते हैं, ये नहीं चाहते कि आप इन्हें रिजेक्ट करें या इनसे मूव ऑन करें, या इनको इनको लेकर आपको थोड़ा डिफेंसिव अगर आप हैं व्यूअर्स इनको लेकर, जैसे आपका एक जोन है आपका, या आप अपने दिल के करीब किसी को आने नहीं देते, ऐसी कोई बात हो सकती है। तो यहाँ पर वो ऐसा सोच सकते हैं कि जैसे आप ना उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, किसी और के लिए रिजेक्ट कर दोगे, या फिर अब आप इनसे बहुत परेशान हो चुके हो, बहुत कंप्लेन्स हैं आपकी, यू नो बहुत शिकायतें हैं आपकी, तो इस वजह से भी आप इन्हें रिजेक्ट कर सकते हो। सो दे हैव दिस फियर ऑफ रिजेक्शन, उनके अंदर ये रिजेक्शन का डर है, आई कैन सी दैट यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन का कार्ड भी है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर इन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर की है, तो वहाँ पर भी इनको यही सुनने को मिला है कि जैसे आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे या फ्यूचर में आप किसी और को चूज करोगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये हो सकता है। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे व्यूअर्स आपको कोई बेटर मिल सकता है, आपके पास कोई बेटर ऑप्शन हो सकता है, या फिर अब आप फेड अप हो चुके हो, यू आर फेड अप विद दीज थिंग्स, अब और ज़्यादा ड्रामा या और ज़्यादा केओस आपको नहीं चाहिए, तो आप थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहे हो, अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर रहे हो आप अब, कि क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्या डिज़र्व करते हो आप, क्या डिज़र्व करते हो, और कहाँ पर एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप थोड़े से यू नो सेंसिबली अप्रोच कर रहे हो सिचुएशन को, या सेंसिबली डील कर रहे हो, और वहाँ पर आप ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की कोशिश कर रहे हो कि ठीक है अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं है कोई इंटरेस्टेड तो लेट मी फोकस ऑन माय लाइफ, लेट मी फोकस ऑन माय सेल्फ। तो इस चीज़ ने इनको थोड़ा सा अंदर से परेशान कर दिया है, और इनको लग रहा है कि अब आप अपने ऊपर फोकस करने लगे, या अपना ध्यान कहीं और लगा रहे हो, अपने आप को कहीं और बिजी रखना चाह रहे हो, कहीं और इन्वॉल्व रखना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि आप इनको रिजेक्ट कर रहे हो, इनके इनकी प्रेजेंस को रिजेक्ट कर रहे हो। प्रेजेंस यानी कि ये अभी भी आपकी लाइफ में हैं या हो सकते हैं, इस बात को ही आप रिजेक्ट कर रहे हो और ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने कहा, ऐसा हो सकता है कि आप इनके बहुत सारे यू नो ये थोड़ा सा माइंड गेम्स खेल रहे हैं, या कुछ अगर ऐसा करते हैं उस वजह से आप बहुत फेड अप हो गए हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि ठीक है अगर यहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो मैं फिर अपनी लाइफ पर ध्यान दूँ, तो तब इनको थोड़ा बुरा लगा है। ओके, इस वजह से ये चाहते हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ना करें, इन्हें अवॉइड ना करें, इनको भूलें ना, यू नो इनको भूल ना जाएं, मूव ऑन ना करें, इन पर ध्यान दें, ऐसा कुछ। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स के कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि सिचुएशन में कुछ बैलेंस की कमी है, बैलेंस की कमी है, सो दे वॉन्ट टू स्टैब्लिश दैट बैलेंस नाउ। अब इस सिचुएशन में प्रॉपर गिव एंड टेक चाहते हैं, अब इस सिचुएशन में वो चाहते हैं कि जो भी हो वो फेयर हो, फेयर तरीके से हो, फेयर हो, दिस इज वॉट दे वॉन्ट। या आई कैन सी दैट यहाँ पर कुछ अनइक्वल हो चुका था, अनइक्वल या कोई पार्शियलिटी हो रही थी, यानी कि एक ही इंसान को सारी इम्पोर्टेंस सारी वैल्यू मिलना और दूसरे इंसान को ना मिलना, तो ये कहीं ना कहीं एक पार्शियलिटी होती है, एक यू नो डिसबैलेंस होता है, और समवेयर इनइक्वालिटी होती है कि आप जो डिज़र्व करते हो वो तो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन वो सारा अटेंशन सारा इम्पोर्टेंस और सारी वैल्यू अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी फेयर नहीं है, ये तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, और ये बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो चाहते हैं कि इस कनेक्शन में अब प्रॉपर गिव एंड टेक आना चाहिए, जब आप फेड अप हो चुके हैं, जब आप टायर्ड हो चुके हैं सब चीज़ों से, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि इस सिचुएशन में प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि कैसा लगता होगा आपको, या अब इन्हें समझ में आ रहा है कि अगर और ज़्यादा इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की, आपकी प्रेजेंस को, आपकी अवेलेबिलिटी को, यानी कि आप मौजूद हैं,
इनके लिए आप अभी हैं, प्रेजेंट हैं, तो अगर आपकी प्रेजेंस को इन्होंने बहुत फॉर ग्रांटेड लेने की कोशिश की तो आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने वाले नहीं हैं, यू हैव अदर थिंग्स टू डू। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इनको इतना ज्ञान मिला है, इनको इतना कुछ समझ में आया है, इनको इतना कुछ रियलाइज़ हुआ है, या तो हो सकता है किसी ने इनको ये सब गाइड किया है, किसी ने इन्हें ये सब समझाया है कि आप ऐसा कर रहे हो, तो इस वजह से ये इंसान आपसे दूर भी हो सकता है, तो आपको समझदारी से काम लेना चाहिए, आपको सेंसिबली और मैच्योरली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इन्होंने थोड़ा इमैच्योर बिहेव किया है। तो मुझे लगता है या तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, इनके इंट्यूटिव थॉट्स की वजह से ही इनको समझ में आ रहा है कि ये क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, या फिर किसी ने समझाया हो सकता है, या सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद ही इनको ये रियलाइज हुआ है। तो ये अब आपका अटेंशन चाहते हैं, रिश्ते में प्रॉपर गिव एंड टेक चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, और जो भी कुछ अनफेयर था उसे फेयर करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उन्हें भूल ना जाएं, उन्हें रिजेक्ट ना करें। ओके, ये चाहते हैं। चलिए मैं आगे और क्लैरिफाई करती हूँ, देखते हैं व्हाट इज नेक्स्ट। जस्ट अ सेकेंड, चलिए देखते हैं व्यूअर्स यहाँ पर आगे और क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी और क्या चाहते हैं वह आपसे। ओके, वी हैव दिस कार्ड। मुझे लगता है व्यूअर्स दे वांट द सपोर्ट, ये आपसे सपोर्ट चाहते हैं, और साथ ही साथ शायद अपने फ्रेंड्स का भी सपोर्ट चाहते हैं। अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हैं, आपके और उनके कॉमन फ्रेंड्स हैं, ये सिर्फ उनके फ्रेंड्स हैं, तो भी हो सकता है कि उन्हें सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और स्पेशली आपसे तो इन्हें सपोर्ट चाहिए, यानी कि आप अगर कॉपरेट करें, आप अगर इनको सपोर्ट करें, तो वापस ये ट्रैक पर आ सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन आउट ऑफ ट्रैक चली गई है, तो ये वापस सब कुछ बैलेंस मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि इस बार आप इन्हें सपोर्ट करें, इस बार आप भी ऐसे बिहेव ना करें कि ठीक है मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब मुझे कोई मतलब नहीं है, अब इन्हें मेहनत करने दो। वो चाहते हैं कि अगर वो अप्रोच करें, वो एक्शन लें, तो आप भी कॉपरेट करें, एकदम से आप यू नो क्विट ना कर दें, एकदम से आप गिव अप ना कर दें, आप भी कॉपरेट करें, आप भी सपोर्ट करें। तो इस समय सपोर्ट चाहिए, और मुझे लगता है किसी और का सपोर्ट अगर ज़रूरत है तो वो भी चाहिए, जैसे फ्रेंड्स का सपोर्ट। ओके, यस, चलिए देखते हैं और क्या है सिचुएशन में। ओके, मुझे लगता है व्यूअर्स कि आप जहाँ बिजी हैं वहाँ बिजी हो सकते हैं, लेकिन ये तो बहुत अकेला फील कर रहे हैं। दे आर फीलिंग वेरी अलोन विदाउट यू, इन्हें आपके बिना बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, इन्हें आपके बिना बहुत अकेला लग रहा है, ये बहुत अकेले पड़ गए हैं व्यूअर्स। हो सकता है फ्रेंड्स फैमिली लोग हैं, लेकिन अंदर से ही ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इन्हें अंदर से ही ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत अकेले हो गए हैं आपके बिना। यस, दे आर फीलिंग वेरी अलोन विदाउट यू, एक सूनापन सा है, और वो चाहते हैं व्यूअर्स कि ये अकेलापन दूर तो हो सकता है, लेकिन इसे आप ही दूर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये अंदर से अकेला फील कर रहे हैं। जब कोई इंसान रियल में अकेला होता है, कोई उसके आसपास नहीं होता, तो उसका अकेलापन दूर करना आसान होता है, लेकिन जब एक इंसान के पास आसपास हमेशा लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तब भी इंसान अंदर से अकेला फील करने लगे, उसके लिए तो व्यूअर्स एक ही सलूशन है कि उसे वही व्यक्ति चाहिए जिसकी वजह से वो अकेला फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो आपको चाहते हैं, आपका अटेंशन चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। अब यहाँ पर मुझे लवर्स का कार्ड मिला है व्यूअर्स, मुझे लगता है कि अब उन्हें इस कनेक्शन का रियल एसेंस जो है वो समझ में आया है कि इस कनेक्शन की कितनी वैल्यू है, जो इमोशंस आप दोनों शेयर कर रहे हैं उनकी कितनी वैल्यू है, तो उन्हें ये प्यार रियलाइज हुआ है। वी कैन से कि उन्हें ये जो प्यार है वो आपके लिए रियलाइज हुआ है, जो अब तक नहीं हुआ था, या फिर पता था लेकिन इमेच्योरली डील कर रहे थे। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आया है व्यूअर्स, यहाँ पर उन्हें आपके लिए प्यार महसूस हुआ है, रियलाइज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर या डिस्टेंस जब से आया है आपके और उनके बीच, तो जितना भी डिस्टेंस आया है, सेपरेशन आया है, उस वजह से इनको रियलाइज हुआ है कि कितना ट्रू है, कितना प्योर है ये बॉन्ड। उनको ये भी रियलाइज हुआ है डिस्टेंस की वजह से, दूरी आने की वजह से ये भी रियलाइज हुआ है कि
कितना मिस करते हैं ये आपको जब भी आपसे दूर हो जाते हैं, कितना प्यार फील करते हैं आपके लिए जब भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो इनको प्यार का एहसास तो हुआ है व्यूअर्स, मुझे लगता है आप जो भी करेंगे ये सोच समझ कर करेंगे, कुछ भी इमेच्योरिटी में, कुछ भी स्टूपिडिटी में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अब ये बहुत सोच समझ कर करने वाले हैं। यस, बहुत स्मार्टली, बहुत इंटेलिजेंटली, मुझे लगता है सेंसिबली जो भी मूव करेंगे, बहुत संभल के, बहुत होशियारी से और बहुत कॉन्शियसनेस के साथ, यानी कि कुछ भी नहीं कि इमोशनल हो रहे हैं तो भावनाओं में बहकर कोई एक्शन लिया, गुस्सा आ रहा है तो गुस्से में कोई एक्शन लिया, और सैड हो गए तो कोई डिसीजन ले लिया या फिर जल्दी में कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा कुछ नहीं करने वाले ये। अब ये बहुत सोच समझ कर एक्शन लेंगे क्योंकि इन्हें इस सिचुएशन में सब कुछ वापस फेयर करना है, इक्वल करना है, बैलेंस लेकर आना है। तो मुझे लगता है अब बहुत सोच समझ कर ये कोई डिसीजन लेंगे और बहुत सेंसिबली बिहेव करेंगे, बिल्कुल भी इमेच्योरिटी यहाँ पर अब नहीं होगी। ओके, ये आप व्यूअर्स, चलिए मैं और देखती हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, चलिए जस्ट अ सेकेंड फैमिली, चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ टैरो कार्ड्स के थ्रू कि और हमें क्या मैसेजेस मिल रहे हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। आइए चलिए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। I need one card. मुझे लगता है व्यूअर्स कि अभी ये दो सिचुएशंस में कंफ्यूज हैं, दो रास्तों में कंफ्यूज हैं। हो सकता है कि ये सोच रहे हैं एक्शन लें या ना लें, ऐसा ना हो कि इन्होंने बहुत आपको ऑलरेडी आपको बहुत इरिटेट या हर्ट कर दिया है नॉट इरिटेट, हर्ट कर दिया है, या यू आर फेड अप विद दिस पर्सन और दिस विद दिस ड्रामा, हो सकता है। तो ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि ये जो सोच रहे हैं वो सिर्फ इनका ही प्लान रह जाए और आपका प्लान कुछ और हो, तो इनको थोड़ा डर भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि इनकी जो प्लानिंग है, इनके जो थॉट्स इमोशंस हैं इस वक्त, अगर वो आपके नहीं हुए तो, अगर आप वैसा ही फील नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो मुझे लगता है दो चीज़ों के बीच में, दो सिचुएशंस के बीच में ये थोड़ा सा अभी जगल कर रहे हैं, इनको अभी डिसीजन लेना होगा कि इस पार या उस पार, ऐसे बीच में लटक कर नहीं रह सकते। तो मुझे लग रहा है ये कन्फ्यूज़ हैं व्यूअर्स, अभी कन्फ्यूज़ हैं, और ये कंफ्यूज हैं और इनका कंफ्यूजन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी मोमेंट का वेट कर रहे हैं। हो सकता है इन्हें आपसे कोई साइन चाहिए, आपसे कोई हिंट चाहते हैं कि आपकी तरफ से कोई साइन देखने को मिले, कोई हिंट मिले जिससे ये समझ पाएं कि आप भी इक्वली इंटरेस्टेड हैं, आप भी इनको पाना चाहते हैं, आपने अब तक गिव अप नहीं किया है। तो ये आपकी तरफ से कोई साइन या कोई हिंट का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा लगता है मुझे। यस, दे आर वेटिंग फॉर अ साइन और फॉर एनी जेस्चर फ्रॉम योर साइड जिससे ये डिसाइड कर सके कि ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है, आगे बढ़ना है। Again, two cards. I need one card at one time. Okay. Wheel of Fortune. मुझे लगता है viewers की किस्मत पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं कि किस्मत में होगा तो ज़रूर हम मिलेंगे, किस्मत में होगा तो इनका प्लान ज़रूर सक्सेसफुल होगा, या इनकी एक्सपेक्टेशंस और वांट्स जो हैं इस वक्त आपके लिए, जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये आपसे या इस कनेक्शन से, इनको लगता है किस्मत में होगा तो ज़रूर मिलेगा। तो ये डेस्टिनी पर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं यहाँ रख देती हूँ इसको। यस, डेस्टिनी पर विश्वास कर रहे हैं ऐसा लगता है, किस्मत पर छोड़ दिया है इन्होंने बहुत कुछ।
कि ये अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे, बाकी तो किस्मत में है तो ही हो पाएगा। ठीक है, और देखते हैं। अगेन सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वही प्रॉपर एक्सचेंज, इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस, वही बात निकल कर आ रही है। व्यूअर्स, मुझे लगता है कि ये आपको चाहते हैं इस तरह से कि व्यूअर्स, इन्हें लगता है कि आपको इनके लिए बनाया गया है, इनको लगता है कि ये एक डेस्टाइंड कनेक्शन है, आपके बाद या आपसे बेहतर उन्हें कोई मिल नहीं पाएगा। यू आर द परफेक्ट वन फॉर देम बिकॉज यू आर द चोजन वन फॉर देम, आपको ही उनके लिए चुना गया है। और किस्मत भी यही चाहती है, उन्हें ऐसा लगता है कि किस्मत किस्मत में था तभी हम मिले हैं और किस्मत में होगा तो हम फिर मिलेंगे। यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये दोबारा उसी बैलेंस को शो करता है जो मैंने पहले बताया है आपको कि इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था, एक ही इंसान के एफर्ट्स ज्यादा थे। अब यहाँ पर ये इक्वल एक्सचेंज करना चाहते हैं, यानी कि पहले तो आप व्यूअर्स बहुत कुछ करते रहे लेकिन इन्होंने नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, या तो ये सिचुएशन में ना बैलेंस और जस्टिस लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये एक्शन लें या ना लें, कुछ ट्राई करें या ना करें। अभी भी कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुआ है, अभी भी बहुत ज़्यादा डेस्टिनी और किस्मत के बारे में सोच रहे हैं कि इनकी किस्मत में क्या लिखा है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, ऐसी बातें अभी भी ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकते हैं। ओके व्यूअर्स, चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ कि ये कहना क्या चाहते हैं आपको। ओके, इनकी तरफ से हम हैंड रिटन मैसेजेस लेते हैं और देखते हैं व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। ओके, आइए चलिए देखते हैं। Do you love me the way I love you? Viewers, ये आपको पूछ रहे हैं क्या आप भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपसे करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा था कि ये आपसे एक हिंट चाहते हैं, आपसे भी जानना चाहते हैं कि क्या आप भी सेम सोच रहे हैं या नहीं। तो वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। व्यूअर्स, ओके चलिए, ये कार्ड है यहाँ पे, वी कैन ट्राई अगेन। वो आपसे कह रहे हैं वी कैन ट्राई अगेन, हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं, यानी कि इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहते हैं, एक और मौका देना चाहते हैं इस रिश्ते को। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, और आपकी तरफ अभी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक मैसेज अनफोल्ड हुआ था, चलिए दो है यहाँ पे। Your kindness heals me. तो व्यूअर्स, शायद आप बहुत काइंड हार्टेड हो, शायद बहुत हम्बल हो, स्वीट हो, इस वजह से उनको आपके साथ और ज्यादा पॉजिटिव, आपके साथ और ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक और मैसेज है, ओके, आई कांट लिसन द सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये आपको बोल रहे हैं कि मैं वो सॉन्ग्स नहीं सुन सकता हूँ जो मुझे आपकी याद दिलाते हैं। ओके, यानी कि कुछ सॉन्ग्स ऐसे हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो इन्हें आपकी याद दिला रहे हैं, और ये वो सॉन्ग्स नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो बार बार आपकी याद दिलाते हैं। कुछ सॉन्ग्स ऐसे हो सकते हैं जो इन्होंने आपको डेडिकेट किए हैं, या आपने इनको, या फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ म्यूजिक ऐसा है जो इन्हें आपकी याद दिलाता है और इसीलिए वो सुन नहीं पाते हैं उसे। ठीक है, ये और ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं अगर ऐसे म्यूजिक को, ऐसे सॉन्ग्स को सुनते हैं तो। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं आपके और उनके नाम में क्या लेटर्स हो सकते हैं। आपके या उनके नाम में व्यूअर्स के हो सकता है, ए हो सकता है, आर हो सकता है, ओ किसी का नाम करण हो सकता है, कर्ण यहाँ पर कर्ण, किसी का नाम करण हो सकता है, या के ए आर ए एन होता है, जरूरी नहीं है लेकिन चैनल हो रहा है। जे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जे जेड एंड डी एंड सी एच एम जी,
ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं. ओके, के ए आर एन जे जेड डी सी एच एम जी. ओके व्यूअर्स, चलिए लास्ट एक डिवाइन मैसेज लेते हैं, बिकॉज आई एम गाइडेड टू टेक अ मैसेज फ्रॉम दिस डेक. एक डिवाइन मैसेज लेते हैं लास्ट में. दिस कार्ड वॉन्ट्स टू कम आउट. पीसफुल रेजोल्यूशन, ब्यूटिफुल, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है. तभी मैं ऐसा फील कर रही थी कि मुझे एक डिवाइन मैसेज लेना चाहिए. मैसेज आया है पीसफुल रेजोल्यूशन. आप लोगों के बीच जो भी इशू है, जो भी प्रॉब्लम हुई है, जो भी डिस्टेंस आया है, वहाँ पर पीसफुल सोल्यूशन निकल रहा है. और आप लोगों का सब कुछ, सारा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है, सारे इश्यूज खत्म हो सकते हैं, और शांति से आप लोग इस प्रॉब्लम को, इस सिचुएशन को ठीक कर सकोगे. यानी कि आप लोग व्यूअर्स सुलझा लोगे, ये जो भी उलझन आई है उसे सुलझा लोगे, इस इशू को रिजॉल्व कर लोगे, और बहुत आगे और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आगे और ज़्यादा एडवेंचर नहीं है, सब कुछ पीसफुली रिजॉल्व हो जाएगा. ओके, आप लोगों के बीच हार्मनी वापस मेंटेन होगी. सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल या रिलेटेबल रही है. इस रीडिंग ने अगर आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ड्रीम टैरो चैनल को. मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कितने % आपसे रेजोनेट करती है ये रीडिंग. ओके, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक ज़रूर करें. ओके, अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंच पाएगा जिनको इनकी ज़रूरत है, जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है. तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और इस बात का ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं देती हूँ, तो कमेंट्स में दिए हुए किसी भी कॉन्टैक्ट डिटेल का विश्वास ना करें. ओके व्यूअर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रेशियस टाइम. चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में. तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर.